नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और ये है ओप्पो रेनो 7 5G बोलने 5G है। और क्या ओप्पो ने इस बार इस वाले फोन के साथ गलती करी है? शायद थोड़ी ना। हमने ओप्पो रेनो 6 को भी उपयोग किया था, उसकी वीडियो भी दी थी और लोगों को पसंद भी आई थी। और उस समय वैसे उस वाले फोन में क्या था कि गेमिंग सेटिंग्स अनलॉक्ड नहीं थी, जबकि डायमेंसिटी 900 चिपसेट उसमें भी था। परंतु आज के समय में उसमें भी 60 FPS में BGMI खेल सकते हैं, इसमें भी खेल सकते हैं। 30,000 रुपए के नीचे के मूल्य पे वो यानी कि ओप्पो रेनो 6 एक महा प्रीमियम स्मार्टफोन था डिजाइन, बिल्ड और लुक्स के मामले में। इस बात से तो बिल्लू तुम भी एग्री करोगी। हाँ, काफी अच्छा फोन था। रेनो 6 की बात कर रहे हैं। ग्लास बैक था, मेटल का फ्रेम था, ऐसे फ्लैट वाला एज मिलता था उसमें, मतलब फ्लैट एजेस मिलते थे। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम था भाई साहब, बहुत मजा आता था चला के। डायमेंसिटी 900 चिपसेट था, 90Hz की AMOLED डिस्प्ले थी। और इस वर्ष ओप्पो ने लॉन्च किया है ओप्पो रेनो 7। अब इसका जो नाम है वो थोड़ा सा ऐसे ना कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब जनरली होता क्या है कि एक ब्रांड जब कोई फोन लॉन्च करती है और अगला एक क्रम बढ़ा के एक फोन लॉन्च किया जाता है, जैसे कि 6 है, 7 लॉन्च किया गया, 5 है, 6 लॉन्च किया गया, तो लोगों को लगता है ना कि भाई ये अपग्रेड होगा, इसके अंदर नए नए फीचर्स होंगे उसकी तुलना में। और टेक्निकली ऐसा सोचना गलत नहीं है, परंतु भाई साहब ऐसा होता नहीं हर बार। मतलब आजकल स्मार्टफोन ब्रांड जो कर रहे हैं उसके हिसाब से तो यही बोल सकते हैं। बाकी हम तो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं ना, तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिए। वैसे ये ओप्पो रेनो 7 एक अपग्रेड ना होकर भी एक अच्छा विकल्प क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 6 की एक बार स्पेक्स देख लीजिए आप, उसके बाद जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ थोड़ा सा आसानी होगी समझने में आपको। इन दोनों स्मार्टफोन में सेम चिपसेट है डायमेंसिटी 900, UFS 2.2 स्टोरेज इसमें दी गई है, UFS 2.1 रेनो 6 में थी। कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी कैमरा जो पीछे मिलता है वो 64 का ही है, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो। परंतु इस वाले फोन में 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो 200 mAh बैटरी बढ़ाई गई है। बाकी सेम डिस्प्ले है, 6.43 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है, जो कलर्स है वो अच्छे हैं, मतलब बढ़िया है, परंतु 120Hz होता तो ज्यादा स्मूथ फील होता। हाँ, परंतु इसके एनिमेशन जो है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वो अच्छे हैं, स्मूथ फील होता है। परंतु जो सबसे मुख्य फीचर था ओप्पो रेनो 6 का वो था बिल्ड क्वालिटी। और इस वाले फोन को पहली बार ऐसे छू के हमें यही प्रतीत हुआ कि भाई साहब बदल दिया यार एकदम से। इसमें क्या है, प्लास्टिक बैक मिल जाती है, प्लास्टिक बैक भी है, प्लास्टिक फ्रेम भी है, हालांकि हल्का सा कर्व डिजाइन मिलता है और पीछे से कलर चेंजिंग सा डिजाइन मिलता है, मतलब ग्रेडियंट वाला, और ऐसे बारिश की बूंदे से गिर रही है। कैमरा लेआउट और सब कुछ सही है, बस इन हैंड फील मतलब उतनी ज्यादा आकर्षक नहीं लगी जितना मतलब रेनो 6 था, मतलब उससे तो बहुत ज्यादा कम लगी। रेनो 6 तो ऐसे हाथ फिर में काफी प्रीमियम मस्त लगता था भाई, बहुत सही लगता था, एक्चुअली बहुत सही लगता था। और वो वाला फोन लोकप्रिय भी इसी वजह से हुआ था, यही कारण था उसका लोकप्रिय होने का। और इसकी डिस्प्ले भी देखते ना तो चिन भी मतलब उसकी तुलना में बड़ी दिखती है। तो अभी तक आप समझ गए हों कि मोस्टली इस फोन में जो भी चीजें दी गई हैं पिछली पीढ़ी की अपेक्षा अर्थात ओप्पो रेनो 6 की अपेक्षा इसमें डाउनग्रेड किया गया है। परंतु एक और दृष्टिकोण मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको जान लेना अति आवश्यक है, जिसके बारे में अधिक बातें हो नहीं रही हैं। ये वाला फोन 1,000 रुपए कम में लॉन्च किया गया है ओप्पो रेनो 6 की तुलना में, और साथ ही एक ही वेरिएंट में आता है 8GB 256GB स्टोरेज के साथ। ओप्पो रेनो 6 128GB के साथ लॉन्च किया गया था, तो 1,000 रुपए वो कम हो गए और 2-3,000 रुपए स्टोरेज की आप जोड़ सकते हैं। मतलब ऐसे ही गुणागणित करते हैं तो समीकरण थोड़ा सा बदलने लगते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये ओप्पो रेनो 6 से सस्ता पड़ेगा। परंतु आज के समय में यदि आपको ओप्पो रेनो 6 इसी के आसपास के मूल्य में मिल जाता है तो वो भी बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बाकी ये ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है तो ऑफलाइन में कई बार 2-3,000 रुपए डिस्काउंट मिल ही जाता है। वैसे इसी मूल्य के आसपास Vivo V23 भी आता है, और यदि आपकी प्रेफरेंस कैमरा और डिजाइन बिल्ड है तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें ग्लास बैक भी है कलर चेंजिंग वाला, और ऐसे मेटल का फ्रेम है भाई, एकदम प्रीमियम फील होता है, और कैमरा भी अच्छे हैं इसके। इन दोनों का फुल कंपैरिजन भी हमने करा हुआ है, यदि आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली कंडीशंस में V23 एक अच्छा विकल्प हो सकता है ज्यादातर उपभोक्ताओं के लिए। वैसे बिल्लू इस वाले फोन का नाम ओप्पो रेनो 7 की बजाय ओप्पो रेनो 6E या 6S हो सकता था। हाँ, ऐसा कर सकते थे ना, मतलब अगर फीचर वीचर को देखते हैं तो आज के समय के हिसाब से। वैसे इसकी जो बिल्ड है मतलब प्लास्टिक बिल्ड तो है लेकिन कर्व्ड एज है तो पकड़ने में आसानी होती है, और होल्ड करने में काफी हैंडी सा फोन है, पतला सा फोन है। यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, अच्छा लगता है, बढ़िया है। इन डिस्प्ले स्कैनर की भी स्पीड मतलब तीव्र है, परंतु सिंगल स्पीकर मिलता है इसमें आपको।
सिंगल है लेकिन मतलब लाउड है, लेकिन सिंगल है भाई साहब, सिंगल ही है, क्या कर सकते हैं। ये कौन है इसमें दिख रहा है कुछ? हेडफोन जैक। जी हाँ, जैक भैया है इसमें। कैमरा की बात कर लेते हैं तो इसके कैमरा को हमने अच्छे से टेस्ट किया है, अच्छे से परीक्षण किया है, उपयोग किया है भाई साहब, और कुछ स्मार्टफोन्स के साथ हमने तुलना भी करी है। तो हमने पाया कि इसका जो मुख्य कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, वो ऐसे इंसानों की शक्ल को ऐसे थोड़ा सफेद सफेद कर देता है, व्हाइट व्हाइट कर देता है, डिटेल्स अच्छी रहती है और डायनेमिक रेंज भी ओवरऑल अच्छी लगी। फ्रंट कैमरा की स्किन टोन्स काफी नेचुरल आ रही है और इमेजेस में डिटेल्स भी अच्छी आ रही है और कोई भी ओवर एक्सपोज का इशू नहीं आता। डायनेमिक रेंज को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। हमने इनडोर्स में, आउटडोर्स में, लो लाइटिंग कंडीशन में, अलग अलग जगहों पे इसके कैमरा को टेस्ट किया है। वैसे अधिकतर लोगों को बिल्लू मतलब रेयर कैमरा भी अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा। व्हाइट व्हाइट कर रहा है लेकिन लोगों को पसंद आता है। कई बार मुझे भी अच्छा ही लगता है। तुमको भी अच्छा ही लगता है कहीं ना कहीं। परंतु जैसे वीवो से तुलना करी थी ना, तो वीवो का थोड़ा इसकी तुलना में बेहतर लग रहा था। कलर्स थोड़ा सा बेटर थे, थोड़ा नेचुरल लगे। बाकी ओप्पो का फोन है तो भाई साहब कैमरा के अंदर फीचर वीचर काफी सारे मिल जाएंगे आपको। इसके फ्रंट एंड रेयर दोनों ही कैमरा में आपको बोके मोड मिल जाता है, तो आप बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो शूट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो पीछे का पार्ट जो बिल्डिंग विल्डिंग दिख रही है ओवर एक्सपोज्ड है। यहाँ पे AI हाईलाइट वीडियो करके फीचर मिल जाता है, उसको ऑन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा आसमान भी नीला नहीं दिख रहा है, और हम यहाँ पे लगा देते हैं तो देख सकते हैं ये वाला फीचर कुछ कुछ कंडीशंस में मतलब डायनेमिक रेंज के लिए अच्छा है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है या फिर बहुत कम लाइट है। लो लाइटिंग कंडीशन में ये लाइट को बूस्ट करता है और डे लाइटिंग कंडीशन में ये क्या करता है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को अच्छे से बैलेंस करता है। और ये इनडोर की वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी आपको मिल जाती है इसके फ्रंट कैमरा से। डायमेंसिटी 900 के साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल काफी अच्छी रही और डे टू डे यूजेस में हमें कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न हुई, मतलब ऐसे कोई UI लैग जिटर कुछ नहीं होता। और गेमिंग में भी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम FPS को सपोर्ट करता है, अर्थात 60 FPS पे BGMI गेमिंग कर सकते हैं इसमें। गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है मतलब मूल्य के हिसाब से। हाँ, विशेष रूप से गेमिंग के लिए कोई फोन चाहते हैं इस मूल्य पे तो आपके पास दूसरे विकल्प भी होंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा है, 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट इसमें मिल जाता है। एक बात और अच्छी लगी, इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत अच्छा लगा, मतलब 6.5 घंटे से ऊपर का स्क्रीन टाइम देखने को मिला हमें बिना गेमिंग के। 4500 mAh की बैटरी है परंतु बैटरी ड्रेन का कोई इशू नहीं है इसमें, और चार्जिंग स्पीड भी बढ़िया है भाई, 65 वाट के साथ ये फोन चार्ज होता है आधे घंटे। कलर वेस 12 मिल जाता है इसमें, एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है, एंड्रॉइड 12 के साथ होता तो शायद और अच्छा रहता। UI में कुछ परिवर्तन है कलर वेस 12 में, मैंने 11 उपयोग किया था, अब 12 उपयोग कर रहा हूँ तो कुछ कुछ जगहों पे मुझे छोटे छोटे चेंजेस नजर आए हैं, जैसे ये वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं ना तो ये वाला ये बदल गया है पहले की अपेक्षा, अब थोड़ा अच्छा सा लगता है ये देखने में, बढ़िया लगता है। एनिमेशन भी थोड़ा अच्छे लग रहे हैं इसके, और सेटिंग्स में भी कुछ कुछ बदलाव किए गए हैं। अभी यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसे आइकन के शेप चेंज कर सकते हैं, क्विक टॉगल का भी शेप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ विकल्प मिल जाते हैं, कलर्स, एज लाइटिंग, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, ये सब चीजें बदल सकते हैं, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के भी कुछ विकल्प मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। बाकी कलर वैसे तो फीचर रिच है, मतलब फीचर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, और उसी के साथ कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी मिलती है आपको जिन्हें की आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या ओप्पो ने गलती कर दी? अब जहां तक हमें लगा है कि फोन तो देखिए नया है परंतु इसमें कुछ भी ऐसा अपग्रेड जैसा नहीं है, ये एक सिंपल नया फोन है ओप्पो की तरफ से Reno 7। हम आशा कर रहे थे कि भाई Reno 7 जो आएगा वो तगड़ा होगा, मतलब बढ़िया फोन होगा, पैसे भी से थोड़ा 1000 बढ़ा देते लेकिन कुछ नया दे देते तो अच्छा रहता। हाँ, थोड़ा मतलब एक्साइटिंग नहीं लगा, वो वाला फोन बहुत एक्साइटिंग लगा था, बहुत अच्छा था, मजा आया था उसको चला के यूज करके, थोड़ा साधारण सा लगा हमें ये ना, बट ओवरऑल देखते हैं तो कैमरा मेरा ठीक है मतलब मूल्य के हिसाब से। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और उपयोगी लगी होगी। यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम सारे स्मार्टफोन्स को टेस्ट करके आपको सही जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं सदैव। और हाँ, वीडियो को 1 लाइक देना भी ना भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।